हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स पर अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट साथ पढ़ सके। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एट वर्क का पार्ट टू। हम पढ़ने वाले हैं, पार्ट वन हमने खत्म कर चुके हैं। हम पार्ट टू टाइप नंबर वन होगी, जो एमडीएच रूल पर आधारित सवाल होंगे। किस प्रकार के सवाल इस टाइप में होंगे, आइए समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने है, टाइम एट वर्क कार्य और समय पार्ट टू टाइप वन एमडीएच रूल। क्वेश्चन नंबर वन, 12 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। साल 2021 का सवाल दिया गया है। 12 मैन कैन डू वर्क इन 25 डेज, इन्हें का हाउ मेनी डेज 15 मैन इन कैन कंप्लीट दिस वर्क। इस काम को 15 आदमी कितने दिन में कार्य कंप्लीट करेंगे। मैंने आपके सामने लिखा है, एक फॉर्मूला होता है m1 d1 h1 बटे w1 m2 d2 h2 बटे m। कितना होता है w2, हो गया था पता है। m होता है मैन, d होता है m4 मैन, d4 दिन, d4 डेज होता है, h4 आवर होता है घंटे, w4 होता है कार्य। एक पहला कार्य m2 मैन, d2 डेज, h2 फिर वो एक सेम रूल है इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है, आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को करना आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हमें कितना दिया गया, 12 दिन, कितने दिए गए 12 आदमी, कितने दिए गए m की वैल्यू कितनी दी गई 12 आदमी मल्टीप्लाई में 25 दिन में कितने डेज h घंटे दिन के, इतने क्वेश्चन में तो कहने का आप कितने घंटे में काम कर, दिन की बात की करते मल्टीप्लाई करेंगे कितने आएंगे 25 डेज इज इक्वल टू में कार्य 12 आदमी किसी कार्य को, कार्य मतलब कि एक कार्य, कोई भी कार्य है एक कार्य होगा हमारे पास, एक कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं। इसके बाद क्या कहता है, 15 आदमी उसी काम को, कितने आदमी 15 आदमी उसी काम को मल्टीप्लाई में डी मतलब दे, कितने दिन में करेंगे, मतलब सेम काम है, एक का और काम नहीं था, एक काम नहीं होगा, सेम बात है यहाँ तक का आपको समझ आया। इसके बाद आपको क्या करना है, इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा भैया 12 से, हम इसको थोड़ा कट करेंगे 12 से 3 बार, वो 3 से एक सेकंड रुको, सॉरी 3 से 5 बार वो, अरे यार 3 से 4 बार 3 से 5 बार यहाँ तक हम पहुंचे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये लिखना है यहाँ पे d इक्वल टू 25 गुणा 4 और अपोन में ये जो इनका बराबर हो जाएगा उनमें 5, कितना आ गया 5 से कितनी बार 5 बार हो गया यहाँ पे, तो 4 गुणा 5 इक्वल टू कितना आ गया 20। कितना आंसर आ चुका है 20, जो है इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ चुका है। आप सर, आप होंगे सर आपने कैसे कर दिया इतने अच्छी तरीके से, बहुत इजी मोड में आपने सवाल को समझा दिया। आप देखो, आप अच्छे तरीके सवाल को फॉर्मूले में पुट करना है, वैल्यू वैल्यू आपको फॉर्मूले में ही रखनी है, इससे अलग कुछ नहीं करना है। क्या कहा, m1 d1 h1 w1 m2 d2 h2 w2, 12 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर रहे थे, 12 आदमी हो गए, कोई काम 25 दिन होगा तो काम कितना था एक था, इतना कहा 15 आदमी कितने दिन में इस काम करेंगे, तो 1 से 1 कट गया तो 25 कट गया, तो 3 से काटेंगे 3 से 4 बार 3 से 5 बार, तो 25 गुणा 4, ये जो इस इक्वल टू में जो इस साइड होता है, जो इक्वल के बराबर के इस साइड जो होता है वो पहुंच रहता है 5 रहेगा, तो 4 गुणा 5 कितना आ गया 20। इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर कितना है, इस क्वेश्चन का जो है ए फोर एप्पल इज द राइट आंसर जो है आया है, ए फोर एप्पल 20 इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, अच्छे सवाल हो चुके भाई। अब इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करें आप। क्वेश्चन नंबर टू है आपके सामने, 18 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, तो 20 आदमी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। सेशन 2021 का सवाल दिया गया है, 18 मैन कैन डू वर्क इन 40 डेज, इन द कार हाउ मेनी डेज 30 मैन कैन कंप्लीट दिस वर्क। इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। चैप्टर बहुत आसान है, बहुत इजी मोड में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक का मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अपने नोट को, अपने जो नोट बनाया है, जो नोट अच्छे से किया है, आपको उनको रिवीजन करना है, आपको जो जितना आप अधिक से अधिक रिवीजन कर पाएंगे आप उतना जो बेटर फील करेंगे अभी एग्जाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं हम, कितने दिए हैं 18 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ओके भैया इज इक्वल टू, तो 30 आदमी कितने दिन में इस काम को करेंगे, तो डी इज इक्वल टू हमको निकालना है, डी इज इक्वल टू 18 गुणा 40, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, 30 आ गया यहाँ पे, यहाँ तक हम पहुँचे। अब कोई समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप आ चुके हैं। ठीक है, जो इक्वल टू के इस साइड होगा तो इस साइड डिवाइड हो जाएगा, अगर इस साइड जाना है तो इस साइड डिवाइड हो जाएगा, तो 1 0 से तो 1 0 चली जाएगी, 3 से कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा,
तो 6 × 4 कितना आएगा 24, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बी 4 बाहुबली इज द राइट आंसर। आपने बहुत ही आसानी क्वेश्चन को किया है, बहुत ही आसानी से भाई, आपको फालतू तो कुछ नहीं ध्यान रखना है, बस आपको ही ध्यान रखना है कि कितना आपको दिया गया, कितने आदमी है, कितने दिन में काम कर रहा, कितना वर्क करा, कितने गुना वर्क करा, कितना नहीं किया। आपको सर एक क्वेश्चन भी होता है कि कितना गुना काम किया, एक आदमी से 3 गुना ज्यादा काम करता है, भाई आओगे जो थोड़े दिन थोड़ा वेट करो, आप टाइप नंबर 2 जो है उसकी ही दी गई है, तो आप थोड़ा वेट करेंगे। तो बहुत अच्छा सवाल था, 18 × 40 की हमने 30 × d, तो डी इज टू 18 × 40 अपॉन में 30, तो 6 × 4 कितना होगा 24, इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर आ चुका है। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सीजन भी 2023 के लिए मैंने मैथ की 50/50 स्कोर के लिए स्ट्रेटेजी डाली है, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाए देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% भी आपका क्लियर होगा। आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया आप सामने, एक घर में 8 बिल्ली थी, प्रत्येक ने 8 चूहों को मार दिया, यदि प्रत्येक बिल्ली 8 चूहों को नहीं मारती तो प्रत्येक चूहा 8 किलो अनाज खाता, ठीक है भैया। तो प्रत्येक बिल्ली अनाज तो बताइए बिल्ली ने कितने किलो अनाज बचाया, CP2000 इसका सवाल दिया गया। अच्छा सवाल है, आपको कंफ्यूजन करने वाला सवाल है। इसके बाद आता है ए हैव इन ए कैट, ये हाउस है, हाउस ए हाउस लिव्ड इन 8 कैट, इन्हें कहा एक घर में 8 बिल्ली थी, एवरी कैट किल 8 रैबिट, इन्हें कहा प्रत्येक बिल्ली ने 8 चूहों को मार गिरा, इफ एवरी कैट डिड नॉट किल 8 रैबिट, अगर यदि प्रत्येक बिल्ली 8 चूहों को न मारती तो सो डैट ताकि एवरी रैबिट ईट द 8 किलो अनाज, इसने कहा कि प्रत्येक चूहा 8 किलो अनाज खाता, इन्हें फाइंड द अनाज इन द सेव इन द कैट, इन्हें क्या कहा, इसने क्वेश्चन में बोला है कि बिल्ली ने जो है कितना अनाज बचाया, कितना अनाज जो है खाने चूहा खाने से बचाया, ये बताना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया एक घर में 8 बिल्ली थी, मतलब कि कैट कितनी थी भैया, कैट कितनी थी 8, प्रत्येक 8 चूहे को मार गिरा, चूहे कितने हैं रैबिट कितने हैं भैया 8 है, 8 चूहे हैं, 8 बिल्ली है, 8 चूहे हैं, 8 बिल्ली होगी, 8 चूहे हमारे पास, 8 बिल्ली होगी। इसने क्या कहता है कि एक घर में 8 बिल्ली थी, प्रत्येक ने 8 चूहों को मार गया, प्रत्येक ने 8 चूहों को मार गया, तो यदि प्रत्येक बिल्ली 8 चूहों को नहीं मारती, तो मतलब कि प्रत्येक बिल्ली जो है 8 चूहों को नहीं मारती, तो 8 × 8 तो 64, तो चूहे कितने हो जाती, तो अगर प्रत्येक बिल्ली चूहों को नहीं मारती तो कितने चूहे होते, 64 चूहे होते हमारे पास, कितने चूहे होते 64 चूहे। अब क्या कह रहा है, अनाज कितना अनाज सेव किया, क्वेश्चन में बोला गया कि कितना अनाज जो है उन्होंने सेव किया, कितना अनाज बचाया हमारे पास, कितना अनाज जो है बचाया, अनाज की वैल्यू बतानी है हमको, अनाज कितना बचाया हमारे पास, क्या बताना है आपको, अनाज बताना कितना बचा हमारे पास, तो 64 चूहे थे, बिल ले प्रत्येक ना 8 को 8 मारते तो कितने 64 हो गए, तो 64 बताने, तो कितना 8 कितना अनाज बचाना था 8 किलो अनाज, कितना अनाज बचा हमारे पास 8 किलो अनाज बचा था, कितना अनाज जो चूहे थे कितना अनाज खाते थे 8 किलो अनाज खाते थे, तो गुणा में 8 करेंगे, 8 × 32 8 × 48 क्या हुआ 512, ये हो रहा है पहली का राइट आंसर। सुनो एक बार फिर से बताता हूँ आपको किस प्रकार से मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया है, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत ही इजी मोड में हमने क्वेश्चन को सोल्व किया, CPO 2022 का सवाल था, आपने कितनी आसानी से क्वेश्चन को सोल्व किया, एक बार फिर से बताता हूँ, सुनिए एक घर में 8 बिल्ली थी, प्रत्येक ने 8 चूहों को मार दिया, कितनी बिल्ली थी 8 बिल्ली थी हमारे घर में, कितनी बिल्ली थी हमारे घर में, बिल्ली थी 8, प्रत्येक ने 8 चूहों को मार गिरा, 8 चूहे मारती है, ओके सर। इसने कहा यदि प्रत्येक बिल्ली 8 चूहों को नहीं मारती तो 8 चूहे और लग सकते, तो रैबिट 8 × 8 = 64 कितने हो जाते, चूहे 64 लगते, अगर बिल्ली प्रत्येक बिल्ली 8 चूहों को ना मारती तो चूहे कितने होते 64 लगते। उसके बाद कहता है अनाज कितना बचा, अनाज इक्वल टू 64 चूहे तो थे, मार 64 थे, 64 चूहे थे हमारे पास, न बिल्ली ने प्रत्येक ने मार दिया, तो गुणा 8 की कितने किलो अनाज कितना खाते थे चूहे अनाज खाते थे 8 किलो, तो 64 × 8 512, तो बिल्ली ने जो प्रत्येक चूहे को मारा है कितना अनाज बचाया बिल्ली ने, तो 512 किलो जो है अनाज बिल्ली ने बचाया है, ए पूरा पर इज द राइट आंसर।
बहुत अच्छा सवाल था, बहुत ही आसानी से बहुत ही इजी मोड में आपने इस क्वेश्चन को कर दिया है। तो आप जो है वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चार दिया गया आपके सामने, 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो 25 दिन में 400 टेबल बनाते हैं, 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करें तो 24 दिन में कितने टेबल बनाएंगे, सीजल 2022 का सवाल है। 32 मैन यानी कि 32 मैन कैन डू वर्क 6 आवर एवरी डे सो दैट 25 डेज मेड इन 400 टेबल एंड 30 मैन कैन डू वर्क 5 आवर एवरी डे एंड फाइंड द टेबल इन मेड इन 24 डेज, 24 दिन में कितने टेबल बनेंगे ये बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन को डिफाइन करूंगा, आप एक बार आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। तो ये समझते किस प्रकार क्वेश्चन करेंगे, मैंने आपके सामने लिखा है फॉर्मूला M1D1H1W1M2D2H2W2, एम होता है मैन, डी होता है डे, एच होता है आवर, डब्ल्यू होता है वर्क, ठीक है। सवाल लिखते हैं सबसे पहले, 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करते, तो मैन की जगह कितना लिखेंगे हम 32, ओके सर। प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं, ओके। कितने दिन में, 25 दिन में, डे की जगह 25, 6 घंटे आएगा उठे भी। कितने टेबल बनाते हैं, 400 टेबल बनाते हैं, एक हमारी जो साइड है वो कंप्लीट क्या होगी, एक हमारी जो साइड दी गई है वो हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट, 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 24 जो है तो 24 दिन में कितनी टेबल बनाएंगे, 5 घंटे काम करा 24 दिन में कितनी टेबल बनाएंगे, W2 मतलब जो है W2 निकालना हमको, W2 मतलब साइलेंट कार्य जो है कितनी टेबल बन सकती है हमको ये निकालना है। यहां तक पहुंचे आप, यहां को इतनी वैल्यू आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आपको यहां तक पहुंचने के बाद इतनी बात समझ आ गई होगी कैसे कैसे मैंने इसको बताया है। इसने कहा कि 32 आदमी 6 घंटे में 25 दिन, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में 400 टेबल बनाता, 30 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में कितनी टेबल बनाएगा, बताना है ये कि 24 दिन में भाई कितनी टेबल बनाएगा। क्वेश्चन यहां तक पहुंचे इसके बाद कितने टेबल बनाएगा, आगे यहां तक हमने यहां तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम क्या थोड़ी कटम कटाई खेल लेते हैं, इसमें थोड़ी भी कटम कटाई कर लेते हैं। तो अगर हम कटम कटाई करेंगे, एक सेकंड रुको आप भैया, इसकी मल्टीप्लाई आप इस साइड कर दो और इसकी मल्टीप्लाई आप इस साइड कर दो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करेंगे, तो 32 मल्टीप्लाई में 25 गुणा में 6 हो गए, तो यहाँ कितना आगा, W2 आगा, तो गुणा में कितना आगा भैया, W2 इजिकल, इसकी मल्टीप्लाई हमने यहाँ करी थी 30 हो गए, गुणा में 24 और गुणा में 5 और होगी और गुणा में कितना आ गया 400। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, यहां तक आप सभी को समझा होगा कि यहां तक मैंने क्या किया, यहां तक क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने इसकी मल्टीप्लाई यहां पे, इसकी मल्टीप्लाई यहां पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके हैं। कटम कटाई हम थोड़ी देर में खेलेंगे, वेट करो भाई थोड़ा सा। तो W2 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो W2 = 2, तो जो इस साइड मल्टीप्लाई में साइड डिवाइड में चले जाएगा, 30 गुणा 24 गुणा कितना 5 और गुणा भाई 400, बटे में कितना आ चुका है यहाँ से 32 गुणा कितना 25 और गुणा में कितना आ गया 6। यहां तक भाई अब हम पहुंच चुके हैं, ये अब कट्टा मटाई खेलने काम बच चुका है, बाकी कुछ नहीं बचा है। तो हम थोड़ा कट कर लेते हैं, 5 से इसको हम कर लिया 5 बार कट कर लिया, कट के हमने 5 से थोड़ा हम इसको और कट कर लेते हैं 80 बार होगा, 80 बार यहां तक पहुंच चुके हैं। 6 से भैया ये कितनी बार का, 6 × 4 = 24, 4 बार चलेगा, अगर हम 4 बार यहाँ तक पहुँच चुके हैं, 4 से थोड़ा और कट किया हमने 4 से 8 बार, 8 से थोड़ा और कट किया कितनी बार, 10 बार, कितनी बार हो चुका है, 10 बार हो चुका है यहाँ तक पहुँच के। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ बची है वो देखना है, हमारे पास एक तो बचाया 30, एक बचाया हमारे पास 10, इसके अलावा आपको कोई दिखा हुआ है, आपको ऐसा कुछ दिख रहा है जो यहाँ पे कटन कटाइया बचा हुआ हो, ऐसा आपके पास कुछ बचा हुआ है जो यहाँ पे बचा हुआ हो इससे अलग, आप देख सकते हो, आप थोड़ा देख के बताओ, नहीं इससे अलग तो कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे आप, W2 = 2, 30 मल्टीप्लाई में 10 कितना होगा 300,
बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। सर आप कहोगे, सर आपने बहुत इजी मोड में आज क्वेश्चन को बहुत सॉल्व कर दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने क्वेश्चन को आपको डिफाइंड करके बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, किस प्रकार हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, आप एक बार इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर, इसके बाद मैं दोबारा से फिर समझाता हूँ। एक बार फिर से समझते हैं हम। 32 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में 400 टेबल मारते हैं। ओके, 30 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में कितने टेबल बनाएंगे हमको बताना है। तो 32 गुना 6 गुना, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी मैंने, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 32 गुना 25 गुना 6 कितना W2, तो 30 गुना 24 गुना 5 गुना 400 का आता है। तो W2 के बराबर बन गया, W2 यहां पे है जो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, जो इस बराबर से इक्वल टू के दूसरी साइड मल्टीप्लाई में होता है, दूसरी साइड हमको लेके आते हैं तो एक डिवाइड में चले जाता है। तो डिवाइड में लेके आएंगे 30 गुणा 24 गुणा 5 गुणा 400, ये तो इसकी फॉर्म बनेगी। 32 गुणा 5, 32 गुणा 25 गुणा 6 कट गया, 5 से 5 बार कट गया, 5 से 80 बार कट गया, 6 से 4 बार, 4 से 8 बार, 8 से 10 बार। हमारे पास क्या क्या बचा, एक 30 बचा हमारे पास, एक हमारे पास 10 बचा। तो W2 इज इक्वल टू 30 गुणा 10 इज इक्वल टू कितने हो गए, 300 हो गए। इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर जो आ चुका है वह 300 जो है क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है। तो आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 40% भाग 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 15 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके इसका शेष भाग कितने दिन में समाप्त करेंगे। सीजल 2022 मेंस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने। तो आप किस प्रकार इस क्वेश्चन को लेंगे, आइए हम सुनते हैं। कितने आदमी है भैया हमारे पास, आदमी देखिए 12 आदमी 9 घंटे में प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 30 दिन में कितना भाग, 40% भाग कार्य खत्म कर लेते हैं। यहां तक ये फॉर्म बने, 12 आदमी 9 घंटे काम करके 30 दिन में 40% भाग कितना भैया, 40% भाग जो है खत्म कर देते हैं। अगर फिर यह था 15 आदमी कितने दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष भाग, तो 100 में 40 के कितना हमारे पास बच गया, 60 हमारे, कितना बच गया 100 माइनस के 40 इज इक्वल टू कितना 60%। कितना पार्ट हमारे पास बच चुका है, हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट था वो कितना था हमारे पास, 60% पार्ट था हमारे पास रिमेनिंग, तो 60% हमने यहाँ तक लिखा। इसके बाद तो आप थोड़ा कट्टा वट्टा ये खेल देते हैं, परसेंटेज कैसे पहुंचता है होगा। तो क्या डी निकालना है हमको, तो 10 से 10 चली गई, तो 4 से थोड़ा एक मिनट होगा, इसको थोड़ा लिख लेते हैं। तो 12 गुणा 30 गुणा 9 बटे कितना 40 इज इक्वल टू 15 गुणा डी गुणा में 6 अपॉन में कितना आता 60%। परसेंटेज चलेगा था, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 10 से 10 कैंसिल हम कर सकते हैं, कर दिया हमने 0 कैंसिल, तो 4 से 15 चौका 60, 4 आगे 4 से हमने 4 कैंसिल हमने कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा देखो, 12 गुणा 3 गुणा में 9 इज इक्वल टू कितना बचेगा 6D। तो हमें डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 12 गुणा 3 गुणा 9 बटे में कितना आ चुका है 6, 6 आ चुका है। तो 6 से हम कट को कट करेंगे, 6 से कितनी बार, 2 बार, तो कितना बचेगा 2 गुणा 3 6 और गुणा 9 कितना होगा 54। ए फोर एप्पल इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर कितना है, 54 जो है भाई, इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर आ चुका है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बहुत ही अच्छा सवाल था, सीजन में 2022 का सवाल है, बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चन को कर दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। एक बार फिर से बताता हूं कैसे कैसे करना है आपको, 12 आदमी 9 दिन में 30 दिन काम करके 40% भाग काम करते, 15 आदमी 6 दिन काम करके
शेष पार्ट कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो 60% 40 में 40 गया कितना बनेगा 60% पार हो जाएगा। 12 × 30 × 9/40 15 × d 15 × 6/40 40 होगा 30 कट के 15 × 60 4 से 4 कट गया तो 12 × 3 × 9 6d आएगा। डी इक्वल टू 12 × 3 × 9 तो 6 से 2 बार 3 × 2 × 9 कितने हो गए 54 हो गए। इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर कितना आ चुका भाई 54 आ चुका है। तो अब सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे और अच्छे कंटेंट साथ आप पढ़ पाएंगे। तो आपसे यही विनती है कि भाई आप सब्सक्राइब करो। अब अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाओ आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को शेयर करें और लाइक शेयर करें दोनों करें, ठीक है। तो सीजल प्री के लिए आपको बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी, आपके लिए इतना आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो होगी टाइप नंबर 2 की करेंगे हम, बहुत अच्छा सवाल होंगे उस टाइप नंबर 2 में भी। MDS वाले रूल खत्म हो चुका है, इसके बाद जो टाइप नंबर 2 होगी वो ठेकेदारी पर या अदर छात्रों पर आधारित होगी, बहुत अच्छा सवाल है उसमें। तो आप बहुत अच्छी तरीके की तैयारी करके आएंगे तो आपको मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।